नमस्कार, आप देख रहे हैं अस्तर टीवी न्यूज। टीवी की उप संपादक सुधा बनर्जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकार समारोह में सम्मानित किया गया। आज रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए व पत्रकार सम्मान समारोह परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों को और देश के अलग अलग राज्यों से पत्रकार शामिल हुए। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि शरद बल्लभ जी थे, जो एमपी के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश यादव जी और गुजरात की सविता रानी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शरद बल्लभ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम का आयोजन रायगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी पत्रकार आए। इस प्रोग्राम में बहुत ही निर्भीक पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में सम्मानित पत्रकार राजकुमार सोनी, नितिन सिन्हा, राकेश प्रताप सिंह और सुधा बनर्जी और जाने माने पत्रकारों को किया गया सम्मानित। एटीवी न्यूज चैनल के लिए छत्तीसगढ़ से धर्मवीर कीर की रिपोर्ट। तो कहां तक कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है और किसी एप को बनवाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। हम इन आंदोलनों से और इन सम्मेलनों से सरकार और केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस काम को बनाए और अतिशीघ्र बनाएं। अभी कुछ मित्रों ने, कुछ संगठनों ने सारे राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्यों को पत्र भेजे हैं कि ये एक्ट बनाया जाए। लंबी प्रक्रिया है, हो सकता है एक साल लगे, दो साल लगे, पाँच साल भी लग सकते हैं। हमें सबको मिलकर इस तरफ प्रयास करना है। पूरे देश के जितने भी संगठन हैं, मैं आज सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने अपने संगठन के माध्यम से समस्त राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को इस कानून को बनाने के लिए प्रयास। मैं कहना चाहूंगा कि कब तक ये न्याय मिलेगा? देखा जा रहा है कि पत्रकारों को लगातार हमले हो रहे हैं। अभी कहना संभव नहीं है। अब पत्रकारों पे हमले, मैं यहाँ तक समझता हूँ, छत्तीसगढ़ की बात करूँगा तो नारायणपुर में हमारे एक साथी पत्रकार का बीस साल पहले उनका मर्डर हो गया था। अब उसके बाद धीरे धीरे अब इसमें कुछ हम लोगों को सबको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय पत्रकार समिति अखिल भारतीय सुरक्षा समिति को लेकर से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? आप कहाँ तक सुरक्षा मुहैया कराएंगे पत्रकारों को? हमने छत्तीसगढ़ स्तर पर पहल शुरू की है, छत्तीसगढ़ से आवाज उठी है। हम इसके लिए मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक, राज्यपाल तक, राष्ट्रपति तक जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोकसभा, राज्यसभा के दरवाजे तक बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि अभी कहा गया है कि ये सदस्य कमियां है, उसको बनाने के लिए नियम कानून कायदे की जरूरत पड़ती है। समय निर्धारित नहीं, पर हमारा संघर्ष शुरू हो गया है और उसको हर राज्यों से लेके ऊपर तक ले जाने का प्रयास। सर, देखा जा रहा है ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है, ये संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है, तो आपको लगता नहीं कि ये जो मान है, जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, खाली यहीं तक ही सीमित रह जा रहा है? अभी तक ये इस बारे में जो अभी तक विचार था, अभी तक कुछ राज्यों से छुट आवाजें उठी थी, अब इसको हम एक प्रक्रिया बना के इसको कानून बनाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे और हम कानून बनने के बाद ही कभी सोच होंगे। हम इससे छत्तीसगढ़ से निकला है, ये एमपी से ये आया है, हम चाहते हैं हर राज्यों से ये मांग होंगे और जब दबाव बनेगा तो निश्चित ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। देखा जा रहा है कि आप दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह से भी मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है सर आपको? देखिए, सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना है, नौकरशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, क्योंकि बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल नौकरशाही और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा पत्रकारों को अच्छा, क्योंकि पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो पत्रकारों को अधिक लाभ मिले तो शुरू से सरकार नीति रहेगी पत्रकारों को हम वो सुविधा देंगे जो देना चाहिए। एक सामान्य नागरिक जो सुविधा है वो सुविधा हमको है, तो हम सबसे मिल रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं और बाद में नहीं हुआ तो हम संघर्ष के रास्ते से इसको प्रकरण कानून रूप में तब्दील करने का प्रयास करेंगे। मैं एक चीज बताऊं भैया, अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल के लिए
कितना समय लग गया, 16 राज्यों से जब सहमति बन गई है तब उसके बाद अब राष्ट्रपति की तरफ से स्वीकृति प्राप्त मिली है। इसी तरह से हर स्टेट में भी हम लोगों के प्रयास होंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी आवाज उठाए तो वो बनाए, क्योंकि ये केंद्रीय स्तर पर बनना है। तो आपको एक चीज़ शायद मालूम है या नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल आज वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में उसको कहीं स्थान नहीं है, कर की श्रेणी में नहीं आते। हमने वो मांग भी की है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संवाददाताओं को और उनके फोटोग्राफर को भी वही मान्यता मिले जो प्रिंट मीडिया के लोगों को मिलती है। लंबी लड़ाई है ये, चलेंगे आप आज हम हैं कल आप आएंगे पर कोई और आएगा, ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। सर कितनी उम्मीद रखते हैं आप, कब तक न्याय मिलेगा? देखा जा रहा पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, देखिए आप उम्मीद रखते हैं प्लीज। देखिए अगर हमारे हाथ में होता और उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर देते, ये काम प्रक्रिया के तहत होना है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे। समय क्या इतना अमूल्य नहीं है हमारे लिए कि मीडिया के लिए कुछ अच्छा हो सके, और मीडिया का समय जो है वो नष्ट करने के बदले आगे करने की जो प्रक्रिया जो